अब खबरें विस्तार से। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता एक विशेष ट्रेन से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राजस्थान सरकार के पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी से मुलाकात की। वहीं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीन कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ रेलवे के अन्य प्रोजेक्टों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग पर नया प्रवेश द्वार बनकर तैयार है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही आम जन को समर्पित किया जाएगा। विशेष रूप से निम्बाड़ा में एक अंडरपास बन रहा है रेलवे का, तो उसको आज हम सब लोगों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और निम्बाड़ा चित्तौड़ के जो और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर जल्दी कैसे उसको, क्योंकि चित्तौड़ पे नया एक सेकंड एंट्री बनकर तैयार हो गया, कुछ फुट ओवर ब्रिज और शेड बने हैं, लिफ्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, वो जल्दी समर्पित कर दी जाएगी। और ऐसे ही चित्तौड़ से लेकर चंदेरा के बीच में रेलवे एमिनिटीज, पैसेंजर एमिनिटीज के लिए जो भी जरूरतें हैं उसको लेकर डिस्कशन हुआ। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंत्री महोदय, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग सब लोगों के साथ बैठा और जो भी नई ट्रेन चलाने को लेकर जो कोविड के कारण बंद हो गई उनको कैसे कंटिन्यू करें। और रेलवे स्टेशन पे पहले भी हम लोगों ने मांग करी महाराणा प्रताप की और पन्ना भाई की एक प्रतिमा लगे, क्योंकि चित्र तो लगे हैं लेकिन वो भी लगे, इसके लिए बातचीत हुई है।